एंजाइम वैशाली इज केमिस्ट्री एंड वेलकम टू माय YouTube चैनल न्यू अर्बन कंप्यूटर क्लासेस। तो अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल न्यू अर्बन कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको जितनी भी नई वीडियो अपलोड हो रही है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में आपने सीखा था यूज ऑफ इज एम आर का यूज कैसे करते हैं, और उसमें हमने इज एम आर में इस तथा एक्शन में आईएनजी लगाना सीखा था कि जो काम हम द्वारा जारी रहता है वहाँ एक्शन में आईएनजी करके और सेंटेंस को बनाते हैं। इज एम आर हमारा जो था हेल्पिंग वर्ब थी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मतलब टाइम वर्ब था। नाइन टाइम वर्ब का यूज हमने बेसिक नॉलेज में सिखाया था, और लास्ट वीडियो हमने इस एम आर थ्री टाइम वर्ब का यूज करा था, और जो हमारी आज की वीडियो होगी वो इस एम आर के थ्रू ही होगी, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, जो मैं लास्ट वीडियो थी उसमें पॉजिटिव आंसर सिखाए थे हमने, और जो आज की वीडियो उसमें हम कंफर्मिंग क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन को कंफर्म करेंगे सेकंड पर्सन से, अपने लिए पॉजिटिव बोलेंगे, सेकंड पर्सन के लिए कंफर्म करवाएंगे, ऐसे ही थर्ड पर्सन से भी कंफर्म करेंगे हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कंफर्म करने के लिए सेंटेंस में से जो हमारी टाइम वर्ड होता है उस टाइम वर्ड जो है पहले लिखते हैं और डूअर बाद में लिखते हैं। सेंटेंस में से जो हमारा टाइम वर्ड होता है वो पहले लिखाते हैं और डूअर अंदर करते हैं, और फिर उसके बाद एक्शन। देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, देखिए आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। हमें आई एम को अपने बारे में तो पॉजिटिव ही बताना है, अपने बारे में थोड़ी क्वेश्चन करेंगे, एम आई से क्वेश्चन करेंगे, स्वयं के बारे में कम क्वेश्चन करते हैं, ये गलत होता है, स्वयं के बारे में कभी क्वेश्चन नहीं करते अपने आप से। एम आई करके पूछोगे क्या, एम आई रीडिंग, एम आई डूइंग एक्सरसाइज, क्या खुद से पूछते हैं क्वेश्चन, नहीं करते हैं। एम आई से हम कुछ ही क्वेश्चन करते हैं, जैसे एम आई राइट, क्या मैं ठीक हूँ, इस तरह से यही क्वेश्चन करते हैं, लेकिन हम अदर क्वेश्चन और नहीं करते हैं, ये सेंटेंस हमारा गलत बन जाता है। हम अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव ही बताएंगे, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। अब हमें सेकंड पर्सन से कंफर्म करना है, सेकंड पर्सन से कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो आर हमारा जो आर था इस एम आर आर के जो हमारा टाइम वर्ड है उसको हम सेंटेंस से पहले कर देंगे, सेंटेंस से पहले लिख देंगे और डूअर अंदर को चाहेंगे, फिर एक्शन और उसमें इंग का यूज करेंगे, आर यू एक्शन प्लस इंग। इस तरह से ये हमारा सेकंड पर्सन के लिए क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन वो भी कंफर्मिंग क्वेश्चन है, ठीक है, आर यू एक्शन प्लस आईएनजी आंसर रहेगा। सेकंड पर्सन जो है निगेटिव आंसर देगा, सेकंड पर्सन निगेटिव आंसर देगा, नो आई एम नॉट, यहाँ नॉट हम कहा लगाएंगे अपने टाइम वर्ड के बाद, आई एम नॉट एक्शन प्लस पढ़ रही है, तब हम पॉजिटिव आंसर देंगे, यस शी इज रीडिंग, एंड बॉय है तो ही इज
रीडिंग हम यहाँ कोई नेम भी ऐड कर सकते हैं, कोई नेम ऐड कर दीजिए। इज अनु रीडिंग? यस, अनु इज रीडिंग। ओके, देखिएगा इसी के तहत जो आप एक्शन देखिए, कुछ एक्शन लिखी है मैंने, डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना है, डू एक्सरसाइज। बाय क्लॉथ्स, कपड़े खरीदना, क्लीन द हाउस, घर साफ करना, अटेंड क्लास, क्लास क्लीन करना, टॉक ओवर फोन, फोन पर बात करना, पुट ऑन मेकअप, मेकअप करना, सबमिट योर नोटबुक, नोटबुक सबमिट करना मीन्स इकट्ठी करना, एकत्र करना, सबमिट योर नोटबुक, डू द कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर कोर्स करना, वॉच टीवी, टीवी देखना, यहाँ हम टीवी देखने के लिए वॉच का यूज कर रहे हैं, लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा सीखना। अब हम इन सब रिएक्शन के लिए इस एग्जांपल के थ्रू इनको भी यूज करेंगे। देखिएगा, आई एम डूइंग एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। ओके, आई एम डूइंग एक्सरसाइज। अब मुझे यही क्वेश्चन सेकंड पर्सन से पूछना है तो हम कैसे बोलेंगे, आर यू डूइंग एक्सरसाइज, इधर देखें, आर यू और फिर एक्शन प्लस इंग, आर यू और एक्शन क्या है हमारी, डू। ठीक है, डूइंग तुम्हारी एक्शन है, डू में हम इंग जोड़ देंगे, डूइंग इंग जोड़ देंगे, इसलिए हम डूइंग हो जाएगा। आर यू डूइंग एक्सरसाइज, नेगेटिव आंसर आ रहा है हमारे पास, नो आई एम नॉट डूइंग एक्सरसाइज। अब वही नेगेटिव पर्सन, हमें सेकंड पर्सन ने नेगेटिव आंसर दे दिया, हमें लग रहा है पॉजिटिव आंसर, तो हम थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन करेंगे, इज योर ब्रदर। ठीक है, हमें आप उसके भाई के लिए पूछना है तो वैसे बोलेंगे, इज योर ब्रदर डूइंग एक्सरसाइज, क्या तुम्हारा भाई एक्सरसाइज कर रहा है? Yes, my brother is doing exercise. हाँ, मेरा भाई एक्सरसाइज कर रहा है। इस तरह से इज योर मदर, इज योर फादर, इज योर सिस्टर, इज योर अंकल, इज योर आंटी करके हम उसको काफी बड़ा कर सकते हैं। इससे जो है ना, हमारे जो बोलने की जो प्रैक्टिस है वो बढ़ जाएगी, प्रैक्टिस अच्छी होती है। सेकंड वाला एक्शन लेते हैं, आई एम बाइंग द क्लॉथ्स, मैं कपड़े खरीद रही हूँ, आर यू बाइंग क्लॉथ्स, क्या तुम कपड़े खरीद रहे हो? अब सेकंड पर्सन हमें क्या दे रहा है, नेगेटिव आंसर, नो आई एम नॉट बाइंग क्लॉथ्स। थर्ड पर्सन के लिखा ना, इज शी बाइंग क्लॉथ्स? यस, शी इज बाइंग क्लॉथ्स। ओके, थर्ड है अटेंड द क्लास, इसको आप अटेंडिंग बोलेंगे, टॉकिंग, पुटिंग, सबमिटिंग एंड डूइंग, वॉचिंग, लर्निंग। इसी तरह से आप इन सभी सेंटेंसों को इसके जरिए, इसी के थ्रू आप इसको यूज करेंगे। सपोज इट इज, उसको बोलते हैं वॉच टीवी। देखिए, आई एम वॉचिंग टीवी, आर यू वॉचिंग टीवी, नो आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, इज योर मदर वॉचिंग टीवी, नो माई मदर इज नॉट वॉचिंग टीवी। थर्ड पर्सन हमें नेगेटिव आंसर देगा, कैसे देगा? देखिए, थर्ड पर्सन ये तो हमारा पॉजिटिव वाला, अब यही पर्सन हमें नेगेटिव आंसर दे, तो कैसे बोलेंगे, नो My brother is not, ये not जो है हमारा time बढ़ के बाद आ जाएगा, no my brother is not doing exercise। Okay, ये third person भी हमें negative answer दे सकता है, हम negative दे दिया, हमें फिर positive answer ही लाना है। Is your brother doing exercise? No, my brother is not doing exercise. Is your father doing exercise? Yes, my father is doing एक्सरसाइज। हमें सिर्फ पॉजिटिव आंसर लाना है, फर्स्ट पर्सन अपने आप के लिए बोलेगा, सेकंड पर्सन से क्वेश्चन करना है, फिर सेकंड पर्सन हमें नेगेटिव आंसर देना है, तभी थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव आंसर देता है या नेगेटिव आंसर देता है। नेगेटिव आंसर देगा तो हम और भी थर्ड पर्सन के लिए उससे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन हमारे खर्च रहेंगे, इससे हमारे बोलने की प्रैक्टिस होगी और हम एक्शन में एनर्जी लगाना सीखेंगे। तो आप इसको सीखने के लिए अपनी कॉपीराइट कर लीजिए, कॉपीराइट करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी अच्छी समझ में आ जाएगा। इसमें सारे एक्शन है, एक्शन फिर से समझा देते हैं, डूइंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करना, बाय क्लॉथ्स, कपड़े खरीदना, क्लीन द हाउस, घर साफ करना, अटेंड द क्लास, क्लास क्लीन करना, टॉक ओवर फोन, फोन पर बात करना, पुट ऑन मेकअप, मेकअप करना, सबमिट योर नोटबुक, नोटबुक को एकत्र करना, इकट्ठा करना, डू द कंप्यूटर कोर्स, कोई कंप्यूटर कोर्स करना, वॉच टीवी, टीवी देखना, लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा सीखना। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।